हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो एक बार जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, एक बार संता की नई नई शादी हुई, लेकिन वह फिर भी शाम को काफी देर तक दफ्तर में ही बैठा रहता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बास ने उससे पूछ ही लिया, यार संता, ये तो बताओ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है फिर भी तुम देर रात तक दफ्तर में बैठे रहते हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? संता बोला, अरे सर, सब ठीक चल रहा है। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और हम दोनों में से जो भी घर पहले जाता है उसे खाना बनाना पड़ता है, इसलिए सर हम देर में जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर वाला दृश्य है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। संता बोला बंता से, यार तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? बंता बोला, अरे यार, नर्स बार बार यही कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, यह तो एक छोटा सा ऑपरेशन है। संता बोला, अरे तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी। बंता बोला, अबे साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी, अब मेरा क्या करती, इसलिए भाग आया। दोस्तों, शराबियों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि शराबी जब खूब नशे में होता है तो कैसी बातें करता है, और जब कोई उसका साथी भी होता है उसी की तरह नशेड़ी, तब तो सुनने में बहुत मजा आता है। इसी प्रकार का एक दृश्य है कि संता और बंता शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। तभी संता बोला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। तब बंता बोला, अरे सीढ़ियां तो ठीक है यार, मैं तो इस बात को लेकर बहुत हैरानी में हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग जो लगी है वो कितने नीचे लग रही है। दोस्तों, एक दिन क्लास में टीचर ने संता से बोले, संता ये बता कि लड़कियां दुपट्टा क्यों ओढ़ती हैं? संता खड़ा हुआ और इधर उधर कोनी झांकने लगा, शायद उसे उत्तर पता नहीं था। कुछ सोचने के बाद बोला, अरे सर, विज्ञान के कारण। टीचर बोले, विज्ञान के कारण, वो कैसे? संता बोला, अरे विज्ञान के हिसाब से खाने पीने की चीजों को हमेशा ढक कर रहना चाहिए। टीचर बेहोश। दोस्तों, एक दिन संता ने बंता से कहा, अरे यार, आज सुबह ही सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बंता हैरानी से, अरे यार फिर क्या हुआ? संता बोला, अरे यार होगा क्या, आगे जाकर उसी बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। साला हमसे पंगा ले रहे थे, हमसे आगे जाना चाहते थे। दोस्तों, एक दिन संता ने बंता से कहा, अरे यार बंता, आज मेरा फिर दिल कह रहा है कि मैं आलिया भट्ट को किस करूं। बंता हैरानी से चकित होते हुए देखा संता की तरफ, बोला, क्या तुम आलिया को किस कर चुके हो? संता बोला, अरे यार नहीं, एक बार पहले भी मेरा दिल कह रहा था कि मैं आलिया को किस करूं, उसी तरह आज भी मेरा दिल कर रहा है। इतना सुनता है बंता को गुस्सा आ गया और उसने 2-3 थप्पड़ मार दिए। साला मुझे डरा ही दिया था। दोस्तों, चतुर महिलाओं के कारनामे कैसे होते हैं आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक महिला ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। उधर से ऑपरेटर ने कहा, आपको क्या समस्या है? महिला बोली, मेरे पैर की उंगली काफी टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए बोला, तो आप इसके लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहती हो? अब महिला बोली, अरे सर, एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं, मेरे पति के लिए है। दोस्तों, एक बार संता और बंता में अपने अपने दादाओं के बारे में बहस छिड़ गई। संता बोला, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ किस्म के थे कि लाठी बिस्तर पर रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंता बोला, अबे यह तो कुछ भी नहीं, मेरे दादा के बारे में सुन। संता बोला, चलो तुम भी सुनाओ। बंता बोला, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ किस्म के थे कि पान चबाकर बिस्तर पे थूक देते थे और खुद ही चाट जाते थे। दोस्तों, एक दिन संता ने बंता से कहा, बंता ये बता, कौन सी जाति सबसे अच्छी होती है? बंता ने कहा, बनिए। संता ने कहा, बनिए, वो कैसे? बंता बोला, हर जगह लिखा होता है और क्लास में भी पढ़ाया जाता था कि देश के अच्छे नागरिक बनिए और देशभक्ति बनिए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि संता और बंता जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक से शेर आ गया। बंता ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी और भागने लगा और संता को कहा कि भाग भाग भाग। अब संता बोला, मैं क्यों भागूं, मिट्टी तो तूने फेंकी है ना।
तो बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर वाकया सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार संता सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू करता बोले, जावा के कोई चार वर्जन बताइए। अब संता कहने लगा, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और सदके जावा। इंटरव्यू करता बोले, शाबाश बेटा, अब जल्दी जल्दी से घर जावा। दोस्तों बहुत ही मजेदार वाकया सुनिएगा। एक बार संता आंख अस्पताल को गया। डॉक्टर साहब ने उसे कहा, संता ये बताओ कि तुम्हारा वजन कितना है। संता बोला, चश्मे के साथ मेरा वजन 75 किलो है। डॉक्टर साहब बोले, और बताओ बिना चश्मे का कितना है। संता बोला, अरे सर बिना चश्मे का तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कितना है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि संता बस में सफर कर रहा था, वो भी खड़े खड़े। अचानक बस में ब्रेक लगी तो संता एक लड़की पे जाकर गिर पड़ा और लड़की गुस्से में बोली, बदतमीज क्या कर रहे हो। संता हंसते हुए बोला, अरे मैडम मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप बताइए क्या कर रही हो। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि संता ने बंता से कहा, अरे यार मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हो गया हूँ। बंता बोला, क्यों क्या हुआ। संता ने कहा, अरे यार मेरे घर वालों को घड़ी में टाइम देखना तक नहीं आता। बंता बोला, मतलब। संता बोला, अरे यार सुबह सुबह मुझे जल्दी जल्दी उठाते और कहने लगते, उठ उठ जा देख घड़ी में क्या टाइम हो गया है। दोस्तों बहुत मजेदार वाली बात है सुनिएगा। एक बार संता ने बंता से कहा कि अगर तुम्हें फोन की बैटरी चाहिए तो बताना। बंता बोला, हाँ हाँ मुझे चाहिए। संता ने कहा, मेरा फोन दिन में 3-4 बार बोलता है, लो बैटरी लो बैटरी लो बैटरी, अब की बार बोलेगा तो तुम्हें बुला लूंगा और ले लेना बैटरी। तो एक दिन क्या हुआ कि संतों को इंटरव्यू देने जाना था। वहाँ गया तो सर ने उसका नाम पूछा कि अपना नाम बताओ। संता बोला, सर मेरा नाम होला है। सर ने कहा, होला ये कैसा नाम है। संता बोला, अरे सर मैं होली के दिन जन्म लिया था इसलिए मैं नर हूँ, इसलिए मुझे होला लोग कहते हैं। सर बोले, अच्छा हुआ कि तू लोहड़ी के दिन नहीं पैदा हुआ, नहीं तो तुझे सब लोहड़ा लोहड़ा कहते। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि संता और बंता के बीच में जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया। संता वकील के पास गया तो उसके वकील ने कहा, आपका पक्ष बहुत कमजोर है, सबूत भी कम है, जीतना बड़ा मुश्किल है। संता ने कहा, तो जज साहब को मिठाई भिजवा दे तो जीत जाएंगे। वकील बोला, नहीं जज साहब बहुत कठोर हैं, अगर मिठाई का डिब्बा गया तो समझो हार पक्की। दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं सीधे बाप बन के पैदा हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण ये भी है, सुनिएगा। चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है। चिंटू ने सुना और बोला, अंकल अभी उनका कोई नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से उन्हें रोज के रोज पापा कहता हूँ। दोस्तों टीचर और छात्र की नोक झोंक तो बहुत सुनी होगी आप लोगों ने, एक नोक झोंक मैं भी सुना रहा हूँ टीचर छात्र की। तो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। मास्टर जी ने पिंटू से कहा, अरे पिंटू कॉपी छिपा ले, पीछे वाला तुझे देख रहा है, तेरी नकल कर रहा है। पिंटू बोला, अरे मास्टर जी देखने दो उसे, क्या मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल होऊंगा तो सबको फेल कर दूंगा, मास्टर जी बेहोश। दोस्तों आजकल का प्यार प्यार नहीं फैशन बन के रह गया, प्यार का फैशन बन के रह गया है। इसी प्रकार से दो प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में बहुत प्यार था लेकिन किसी कारणवश उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। अब दोनों एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से भुलाने की कोशिश करते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब और जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक दिन पप्पू शराब पीते पीते अचानक से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसका साथ में बंटी भी था, दोस्त था। बंटी बोला, अरे यार क्या हुआ अचानक से क्यों रोने लगे। पप्पू बोला, अरे यार मैं जिस लड़की को भुलाने के लिए शराब पे शराब पी रहा हूँ कमबख्त, उस लड़की का नाम ही नहीं याद रहा। दोस्तों ये कोई प्यार है। दोस्तों आप लोगों ने जज मुजरिम की कहानियां तो सुनी होंगी, मैं आज उनकी तो नहीं लेकिन आज हम जेलर और कैदी की कुछ नोक झोंक सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। जेलर ने कहा कि कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी ने दिमाग लगाया और बोला, सर मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर बोला, अबे बेवकूफ ये तरबूज खाने का मौसम थोड़ी है। कैदी बोला,
अरे साहब तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, बेचारे की फांसी टल गई। तो बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर वाकिया है आजकल के जमाने का, सुनिएगा। एक बार संता ने बंता से कहा, अरे यार ज्यादा मोबाइल यूज करने से इंसान बिगड़ जाते हैं, सुना है? बंता बोला, हाँ बिगड़ तो जाते हैं, इसीलिए हम हमेशा एक ही मोबाइल यूज।